हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं। सो फाइनली कराची मैच जीत चुका है, PSL 8 का पहला मैच जीत चुका है और फाइनली जीत गया। वीडियो देखेंगे हम, कराची जीत गया PSL क्रिकेट कॉमेडी 150 फ्रॉम अर्सना। फाइनली कराची कोई मैच जीत चुका है, बहुत हमें पिछले 14 मैचेस के अंदर ये दूसरा मैच है क्योंकि कराची की टीम जीती है। मुझे तो इस बात का दुख था कि यार कराची वाले जो है वो इतने शौक से जा रहे थे, स्टेडियम के अंदर भरा हुआ था, बेहतरीन किस्म की सपोर्ट भी कर रहे थे। इवन दो टीम के अंदर मोहम्मद आमिर जैसे और इम्मी जैसे जो है वो अजीब किस्म के लोग इतनी टॉक्सिक हरकतें कर रहे हैं जिनको कराची वाले भी गालियां दे रहे हैं, फिर भी वो सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे और मासूम का दिल फिर भी टूट रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है कि कम अज कम वो मैच जीते हैं, थोड़ी टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ मैं तो इस चीज से हैरान हूँ कि इस मासूम बैटिंग लाइनअप के साथ लाहौर वाले मुल्तान को कैसे हरा गए। उस दिन भी वैसे अगर आपको याद हो, हमने वीडियो के अंदर भी बात की थी कि जो रन्स बनाए थे पहले 50 रन जो है वो बन गए थे, एजेस पे चौके छक्के हो रहे थे, उस तरह से बच गए थे, नहीं तो उनसे 150 भी नहीं होना था उस दिन। बहुत ही कोई कमजोर बैटिंग लाइनअप है लाहौर की, बॉलिंग जोर के ऊपर उस दिन भी जीत गए थे, लेकिन उन्होंने हराया भी मुल्तान को जो सबको हराता जा रहा है, क्या बात। खैर मैच बहुत ही वन साइडेड हुआ, वैसे जिस किस्म के मैचेस हो रहे हैं PSL के अंदर उस लिहाज से तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी ना हो सका क्योंकि लाहौर अपने पुराने रंग रूप में हमें दिखा इस मैच के अंदर। दूसरी तरफ इमाद जो है वो जैसे ही क्रीज के अंदर आए तो बहुत ही क्यूट बनना शुरू हो गए, शुरू में जो है वो बातें भी करते। यहाँ पर देखिए ये क्या क्या रहे बड़ी शॉटी इसने खेली और थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार ये हम जो हरकतें कर रहे थे ये और आमिर उसकी वजह से बाकी पाकिस्तान तो गालियां दे रहे थे, इवन कराची वाले भी उनको गालियां देना शुरू हो गए थे, उनको थोड़ी सी आकर लाइए, थोड़ी सी मुझे नजर आया। मुझे उम्मीद थी कि यही सब कुछ मुझे मिस्टर डिपेंडेबल मोहम्मद आमिर से भी थी, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई घटिया किस्म की हरकतें की हैं। एक दफा फिर वो एक कोई आउट हो जाता तो उनको पता कि पता नहीं आगे कोई नसीब हो या ना, वो उसी के अंदर कोई ना कोई घटिया हरकत कर देती है, फिर उन्होंने एक और घटिया हरकत कर दी है। तो भाई मुबारक हो, फैमिलीज भी देख रही होती हैं और सब बहुत ही सराह रहे थे आपकी इस हरकत को। शाहिद अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले बयान किया था कि मैंने उसको फोन करके कहा कि यार थोड़ा इंसान के बच्चे बन जाओ, और इसने मुझसे माफी भी मांगी, इसने कहा सॉरी इंसानों की तरह सेलिब्रेशन करूंगा, और उन्होंने वही की, उन्होंने सेलिब्रेशन करते हुए हाथ पहले रोक लिए फिर चुप करा दिया कि मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद यार क्या मोहम्मद आमिर भाई जो है वो पिछले दिनों कुछ ऐसी उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं जो कि बहुत ही जज्बाती सेलिब्रेशंस थी, और ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि एक एमर्जिंग प्लेयर को आउट करके ऐसी सेलिब्रेशन की है हमारे सुपरस्टार ने। जो भी हो भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इमाद के बारे में जिस किस्म की बातें हो रही है, इस वक्त जिस फॉर्म में है हमारा मैडी बॉय, बड़ी बेहतरीन फॉर्म में, बॉलिंग भी करा रहा है और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, तो बहुत अच्छी फॉर्म में है बेचारा। मैच तो नहीं जीत सके पीछे जितने भी हो, लेकिन उनकी अपनी हरकतों और बयान की वजह से ही वो मेरे ख्याल में टीम से ही बाहर है। अगर वो बाहर की बातें ना करें और बीच में क्रिकेट के ऊपर फोकस करें तो काफी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, इसकी टीम में जगह बनती है स्पेशली स्क्वाड के अंदर। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हवाओं में थे, तो वो जमीन पर आना शुरू हो गए जब उनको दो चार छक्के मारे। उनका भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना बनता था, जो कि अच्छा होगा कि हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत से लोग तो इस चीज को एग्री नहीं करेंगे क्योंकि एक हवा चली हुई थी पाकिस्तान के अंदर जिसको सपोर्ट कर रहे थे, सभी ने उसको सपोर्ट करना होता है, अंधी सपोर्ट होती है। लेकिन ग्रुप स्टेजेस के अंदर सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट लिंक था वो हमारा शाहीन अफरीदी था, विकेट्स वगैरह उसने फिर भी ले ली थी, लेकिन जिस किस्म की विकेट थी वो उसको भी पता है और जो क्रिकेट देखते हैं उनको भी पता है कि किस किस्म की विकेट्स थी। और जैसे वो जिम्बाब्वे वाला मैच था तो उसके अंदर हम जो ओपनिंग स्पेल था बॉलिंग का उसी के अंदर हम मैच हार चुके, उसके अंदर भी ये और नसीम शाही बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन खैर जो लोगों को पसंद होता है उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते ना, और जो बात कर रहा होता है उसके ऊपर पड़ भी जाती है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि इनका भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है। खैर बड़ी खुशखबरी है कि कराची वाले कम से कम कोई मैच जीत गए हैं। उधर बाबर आजम भी जो है इसी किस्म के क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जो आप लोगों के जो इस वक्त सेल्फिश प्लेयर्स आप लोगों ने निकाल दी अपनी टीम में से, उनकी जगह जो आए वो कर क्या रहे हैं, इसके पीछे लड़ते रहे इतना ज्यादा कि शर्जील को टीम में रखो उसको बाहर कर दिया। मैं खा में शर्जील ने जो वजन लूज किया है उसके साथ वो उनका जो मोजो था वो भी चला गया है। होता है इसी तरह होता है, आपको अक्सर नहीं पता चलता कि जो चीज होती है वो आपकी फेवर में जा रही होती है, आप उससे तंग होते हैं लेकिन वही आपकी फेवर में जा रही होती है। मुझे उम्मीद है कि वसीम भाई का दोबारा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होगा, जब से ये टीम हार रही थी जितने भी टूर्नामेंट हुआ वो शक्लें ऐसे बना रहे होते थे जैसे बहुत ही मजबूरी में उनको ये टीम दे दी गई है। हालांकि जैसे ड्राफ्टिंग शुरू होती है वैसे जो भी बात होती है उसके अंदर सबसे आगे यही खड़े होते हैं, हर चीज के अंदर यही बॉस बने हुए होते हैं कि यूं होगा यूं नहीं होगा। उसके बाद जब टीम हार रही होती तो शक्लें ऐसे बन रही थी जैसे मेरे पर तो यार जुर्म हो गया, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, जो मुझे टीम दी थी जबरदस्ती दे दी गई है। खैर शर्जील जब निकले तो उसकी वजह से हुआ ये कि गोरों के हाथ में हमने बल्ले पकड़ा दी और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो गोरों के पास जब बैटिंग आती ना तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जो भी टीम इस वक्त कामयाब जा रही है वो उसमें बहुत हद तक हाथ जो है वो फॉरनर्स का ही है जो कि बैटिंग के लिए आ रहे हैं। मुल्तान की एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस जा रही है और उसके अंदर रिजवान की बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है, वो जो 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर एक एंकर इनिंग्स खेलता है 60 रन की, उसके जितने भी लोग आ रहे
होते हैं वो सिर्फ फिर हिटिंग ही कर रहे होते हैं। खैर जो भी हो, मेरा ख्याल में इस वक्त सबसे जो सॉलिड टीम जा रही है वो मुल्तान की टीम जा रही है। बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनका, और उनका जो बॉलिंग का भी आप देखें ना कि सबसे बड़ा स्पेयर हिट था उनका बॉलिंग का। पिछले सीजन में जो मेरा ख्याल में हाईएस्ट विकेट टेकर भी था धानी, वो इंजर हुआ है, उसके बाद इस किस्म की निकली। और क्या टैलेंट निकला है, मैंने जो पहली एपिसोड बनाई थी उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि एक लड़का है एहसानुल्लाह और वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, और छाया पड़ा हुआ है भाई वो इस वक्त पीएसएल के अंदर, क्या पेस निकाल रहे हैं। और एक होता है ना वो जो आउट स्विंगर मार रहे होते हैं लोग, ठीक है आउट स्विंगर ही स्केल होती है, लेकिन वो जो अंदर मार होता है ना पसलियों के ऊपर, वो बहुत अरसे से मिसिंग था और वो इस बंदे की वजह से वापस नजर आ रही है। शुएब अख्तर किया करता था और अब जब इसने मारना शुरू किया तो डरा डरा के आउट कर रहा है और पेस भी अच्छी निकाल रहे हैं, 150 तक चला जाता है, तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्साइटिंग किस्म का माहौल बना हुआ है। खैर ये गेम जो है किसी एक बंदे की वजह से जीती नहीं जा सकती, पूरा का पूरा टीम वर्क ही होता है जो कि मुल्तान की टीम में नजर आ रहा है। और टीम वर्क पता किस चीज से बनता है, वो बनता है ट्रस्ट से, क्योंकि ये गेम ही ट्रस्ट की। और पीएसएल का सीजन है तो इसके अंदर अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। और लाहौर के जो फैंस आए नो कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि उनकी टीम ने एक ही मैच खेला था और अब दूसरा मैच वो हार चुकी है, लेकिन ट्रस्ट करना बनता है क्योंकि यार अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ दो मैच खेले, अभी तो बहुत कुछ करना है। और वैसे भी टी20 की ब्यूटी ही है कि यूं मैच बदल जाता है, 5 मिनट के अंदर मैच बदला हुआ होता है। और अगर 5 मिनट के अंदर मैच बदला हुआ होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप खड़े होकर पाए बनाना शुरू, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चीखें मारी जाती है कि शाहीन वर्सेज वेड होगा, वेड होगा और शाहीन होगा और बदला होगा, तो वो हमें पता चल गया कि भाई थोड़ा सा ईजी हो जाए, इतना भी कुछ नहीं होगा। वेड ने आके जो शॉट्स खेली है वो तो शुक्र है कि वो मासूम रन आउट हो गया, नहीं तो उसका कोई प्लान नहीं था भाई जाने, उसने शाहीन के हाथों ही आउट होना था, लेकिन फिर 18वें ओवर में जाके आउट हो रहा था, तो उस वक्त तक ऐसी काम पूरा हुआ होता। पिछले दिनों गप्टिल ने भी बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है क्वेटा की तरफ से, मेरे ख्याल में इस पीएसएल की फर्स्ट सेंचुरी जो है वो उन्होंने मार दी थी। पहले कोई 40 बॉलों के ऊपर 43 रन बनाए हुए थे और अगले 20 बॉलों के ऊपर 100 रन बना के बंदा बैठा हुआ था। ये चिट्टे बालों वाला टायर जो है इस मासूम को एक ओवर के अंदर 30 रन उसने मारे, मतलब यार ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब इतना आपने चिट्टे किस्म के डाई किया हुआ हो बालों को, तो आपकी जो व्हाइट बॉल है वो तो बीच में मिक्स हो जाती है, डब यहाँ से बॉल फेंक रहे होते, लेकिन फिर भी उसने रख रख के मारी, कुछ उसको धोखा नहीं हुआ, उसको बॉल बिल्कुल नजर आ रही है, 30 रन मारे हैं बॉय को। दुख मुझे इस चीज का हो रहा है यार कि मेरा अक्कू जो है उसके बारे में तो लोग बात ही नहीं कर रहे हो, अक्कू मासूम जो है ना यार वो नहीं चल रहा, चारा जो है ना यार बस अपनी प्राइम में तुम लोगों ने उसको जाया कर दी ना, वो मासूम जो है वो, और वो मतलब आउट होने के बाद ऐसे वो मतलब इतना परेशान होता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मेरे खिलाफ साजिश हुई। एक मैच जो है वो जलमी का भी हुआ था जिसके अंदर और कुछ हुआ, मतलब बाबर आउट हुआ, तो उसके बाद लोग जो है वो यूजुअली उनका मूड खराब हो जाता है, लेकिन एक बंदा आया सायम अयूब और क्या उसने कोई बैटिंग की है, मतलब मुंह नीचे कर करके स्पून करके उसने छक्के मारे, खूबसूरत टाइमिंग और रिस्टी प्लेयर यार। सही दिनवर की बात अगर कहीं कोई रिस्टी प्लेयर में नजर आया तो वो इसका नजर आया। खैर उसी मैच हमने ये भी देखा कि वहाब रियाज जो है वो फिर नो बॉल्स पे नो बॉल्स कराते रहे, और यही होता है ना बड़े जो कह के गए में कि यार सोबत का असर होता है, तो यार तुम जिसकी सोबत में बैठे रहते हो उसकी वजह से तुम्हारी नो बॉल्स तो निकलेंगी। खैर जो भी हो, बॉलर्स हमारे पास फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर हमें बहुत ही कम ऐसा मिलता है कि जो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस हैं उसके अंदर बाबर की कवर ड्राइव को मिसाल बना के यंग स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। फिर भी आई नो के पाकिस्तानी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, तो वो उसके अंदर भी कीड़े निकाल देंगे, लेकिन हाँ गोरे सीख सकते हैं इनसे। फिर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैचेस की टाइमिंग जो है वो रोजाना एक सरप्राइज हुआ होता है, पता नहीं कभी 6 बजे हो रहे हैं, कभी 6:30 बजे हो रहे हैं, कभी 7:45 बजे हो रहे हैं, 7:30 बजे हो रहे हैं, 8 बजे हो रहे हैं, जब मूड होता है तो वो कर लेते हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। रोजाना एक नया जिंदगी की तरह जिंदगी पता थोड़ी चलता है कि कब क्या हो जाए, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उसी तरह हमारे पीएसएल वालों ने भी सरप्राइज रखा हुआ है हमारे लिए, किसी भी वक्त कर लेते हैं भाई, कोई एक टाइम के ऊपर मुत्तफिक हो जाए ताकि हमें भी पता हो कि अच्छा ठीक है यार इस वक्त टाइम निकाल के हमने देखना है। अक्सर औकात जो है वो अपनी प्लानिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, पता चलता है कि पूरा पावर प्ले तो निकल गया, मैच हो रहा है, वो भी कहीं अपडेट्स वगैरह सुन के पता चलता है कि अच्छा तो ये मैच हो रहा है, वरना रोजाना ही कोई नए टाइमिंग के ऊपर आ रहा होता है मैच। खैर जो भी हो, कराची की टीम जो है वो जीत चुकी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो मेरे दोस्त शुएब मलिक के लिए, मासूम ने मेरे ख्याल में 4 टीमें चेंज कर ली अभी तक, और प्लेयर भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन आज तक एक भी पीएसएल की ट्रॉफी में नहीं जीता, 4 जगहों पर उसने ट्राई कर लिया कि कहीं ना कहीं से तो ट्रॉफी आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ सकती। मुझे उम्मीद है कि इस दफा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, अभी तो खैर बहुत ज्यादा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो यू नेवर नो कि अगले साइकिल में क्या चलता है, लेकिन फिर भी मैं आता रहूंगा आपके पास इसी किस्म की अपडेट्स लेकर। सो कराची जीत गया है, और सबसे बड़ी बात की कराची को सपोर्ट बहुत है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने इमेजेस गिरा रखी है, एंड मोहम्मद आमिर की हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है हमें। यार आमिर क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए क्या, इतना एटीट्यूड, इतना अग्रेशन, अग्रेशन ठीक है अपनी जगह पर, गंदी हरकतें भाई ग्राउंड पर। लाला के समझाने के बाद भी तुम नहीं माने, लाला बोल रहे थे मैंने उसको फ़ोन किया है समझ जाओ, क्या इस चीज़ से क्या हासिल होगा, चुप जाओ। और ये वो आप समझ सकते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ का मतलब पता है जो हरकत इन्होंने की है कल के मैच में,
समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मतलब ये किसी को गिन ही नहीं रहा है, लाला के समझाने से नहीं समझ रहा, दूसरों के समझाने से नहीं समझ रहा, और किसी बड़े प्लेयर को जिसकी रेपुटेशन है उसको नहीं समझ रहा है। वो कवर ड्राइव जो बाबर का पूरी दुनिया में मतलब पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं गोरे वोरे भी उससे कुछ सीख रहे हैं, तो उसको इज्जत नहीं दे रहा है, फिर क्या है, क्या इतना गुरूर किस बात का है भाई। मैच की बात करें तो कराची ने पहला मैच जीत लिया है, टीम बुरी नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है। इमाद का मसला क्या है, इमाद किस मसले में फंसे हुए हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं उनकी मुझे नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ, इमाद की परफॉर्मेंस सही रह रही है बॉलिंग और बैटिंग को देखते हुए। कराची ने मैच जीता है, मुल्तान टॉप पर चल रही है और आगे PSL में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये PSL है, T20 का फॉर्मेट है, इसमें कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन हाँ, कराची डाउन चल रहा था, पहली उसको जीत मिली है, कॉन्फिडेंस हाई होगा, अगले मैचेस में शायद वो और कुछ कर दिखाए। शाहीन टॉप के बॉलर जो कभी पिटते नहीं थे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे थे ये, लेकिन जो भी है, पिटाई लगनी चाहिए वक्त वक्त पर, ताकि इंसान को वो चीज़ें बॉलर को ध्यान रहे कि यार मैं बहुत टॉप पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन हाँ यहाँ तक बैठने के लिए मुझे अभी और करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेंगी चीज़ें अपने अंदर से, अच्छी चीज़ें जो मुझे इस मकाम पर बिठा कर रखें। तो कोई बात नहीं, पिटाई हो जाती है, अच्छे अच्छे बॉलर्स की हो जाती है, वो सफ़ेद बालों वाले की तो बहुत हुई थी पिटाई। खैर, जो 67 रन से जीती है ना, ये बहुत बड़ी बात है यार। लाहौर को बैटिंग पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ लाओ, चेंजेस करो, एक आध प्लेयर को लेकर आओ, ऊपर नीचे करो, कुछ तो करो यार, ऐसी बैटिंग से नहीं जीत सकते। बॉलिंग से, सिर्फ बॉलिंग से कब तक जीतोगे, आप अच्छी बॉलिंग कर भी गए और बैट्समैन अगर 100-150 रन भी चेज नहीं कर पा रहा है 150 के अंदर, बैटिंग आपकी बैटिंग लाइनअप ढेर हो जा रही है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे। यार कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों में चलता है, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वो मानते हैं चीज़ों से जीतते हैं, लेकिन बैटिंग भी मायने रखती है यार, इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए बैटिंग को। खैर, क्या कहते हो कराची वर्सेस लाहौर के मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye.